الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا व अनतताज़ना तसहला आमीन या रब्बालमीन किताब यार्हन में हम जिस बाब का मताल कर रहे हैं उसका है अल आदिल एक ऐसा वाली एक ऐसा हाकिम एक ऐसा आमिल एक ऐसा निगरान कि जो अदल करने वाला है सैर अबू हर रजी अल्लाह तनों रिवायत करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया सब ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु सात किस्म के अशखास वो हैं कि जिनको अल्लाह अपने साए में जगह देगा वो दिन कि जिस दिन उस ताला के सए के सिवा कोई साया नहीं होगा इमाम ऐसा इमाम ऐसा हुक्मरान के जो आदिल हो व नशाफी इबादत और एक ऐसा नौजवान जो अल्लाह ताला की इबादत में परवान चढ़ा कलबुहु मुअल्लकुम फिल मसाजिद एक ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिदों ही में अटका रहता है वरजुलान तहाबा बाह इजतम आलै ही व तफर काले और दो ऐसे अफराद जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की मोहब्बत ही में आपस में जुड़ते हैं और अल्लाह की मोहब्बत ही में जुदा होते वरजुल दातु इमरा ततु मनसबिन व जमाल और एक ऐसा शख़्स के जिसको एक ऐसी औरत दावत गुनाह दे कि जो बड़ी मनसब वाली हो बहुत ख़ूबसूरत हो फ़काल इन्नी अखाफुल्ला और वो आगे से ये कहे कि भाई मैं तो अल्लाह से डरता हूँ मुझे तो अल्लाह का खौफ है व रजुल तसद का भी और फिर वो शख़्स के जो कोई सदका दे फ़ाह तो उसको छुपाए हत ला तालम शिमाल मा मातुन फिकमीनों यहाँ तक के उसका बायां हाथ ये न जाने कि उसके दाएं हाथ ने क्या ख़र्च किया है व ज़क़र अल्लाह खालियन फफाजत आइना और फिर वो शख्स के जो अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है ख़लवत में तो उसकी आँखें बहने लगती हैं मुतफ़ुन आलई बहुत ख़ूबसूरत हदीस है जिसके आगाज़ में एक बड़ी बशारत दी गई है कि सात किस्म के अशास वो हैं कि जिनको अल्फाज तो ये हैं अल्लाह ताला अपने सये में जगह देगा वो दिन के जिस दिन अल्लाह ताला के तय के सिवा कोई साया नहीं होगा चूँकि हम अल्लाह ताला के बारे में ये तसवुर रखते हैं कि अल्लाह ताला मुनजा है अल्लाह ताला पाक है सुबहान जब हम कहते हैं कि अल्लाह पाक है तो अल्लाह ताला की जो तंजी है उसमें ये बात भी हम मानते हैं कि अल्लाह ताला शक्ल सूरत जिसम और जिसमानीत से जिसको कॉरपोरेलिटी कहते हैं तो कारपोरील नहीं है अल्लाह अल्लाह की ज़ात कोई जिसम नहीं रखती जैसे ही हम जिसम का तसवु रखेंगे फिर उसमें आजा आएंगे, और फिर इंसान जिस जिसम से जो है वो मुतारफ़ है और उससे मानूस है और फिर जो आज़ा इंसान के हैं जब अल्लाह ताला के हवाले से जब वो ये ख्याल कायम करता है तो उससे अल्लाह ताला की शान अकदस में जैसे एक कमी वाक होती है इस वजह से मुहदसिन जब इसका तर्जुमा करते हैं तो ये कहते हैं कि यहाँ ज़िल ही से मुराद क्या है ज़िल्ली अरश ही कि अल्लाह ताला के अरश का साया यानी अल्लाह ताला सात किस्म के खुशकिस्मत लोगों को उस दिन अपने अरश के साए में जगह देंगे जिस दिन अल्लाह के अरश के सए के सिवा कोई साया नहीं होगा और वो जो दिन है उसके बारे में कुरान कुरानीद कहता है कि वो दिन बहुत मुश्किल का दिन होगा यौन असिर बहुत दिक्कत वाला मुशक्क़त वाला दिन हो और सही अदीस में अब ये मालूम होता है कि माशर की घड़ी होगी और तमाम लोग अल्लाह की जनाब में खड़े होंगे और सूरज जो है वो बहुत करीब होगा अब वहाँ पर जो सूरज है उसका क्या तस्वूर है अल्लाह ही बेहतर जानता है जैसे कि हमें मालूम है कि ये जो कायनात है इसको तो ख़त्म कर दिया जाएगा नफ़ ओला में जिसको असा कहते हैं और फिर दूसरी जो दूसरा जो नफ़ा है उसमें कयामत बरपा हो जाएगी तो अब जब कायनत ही नहीं है तो कौन सा सूरज और कौन सा चांद अब जाहरी बात है कि वो एक और टाइम एंड स्पेस है जहाँ अल्लाह ताला बंदों को जो है उनकी रेजरक्शन होगी तो वहाँ पे सूरज के बारे में कहा गया कि वो बहुत करीब होगा और लोग अपने आमाल के बक़दर पसीने में गर्क होंगे यानि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी का पसीना जो है उसके टखनों तक होगा कोई किसी का पसीना जो है वो उसके घुटने तक होगा किसी का कमर तक आ रहा होगा और किसी का पसीना गोया उसकी नाक तक आ रहा होगा यानी गोया वो अपने पसीने में गर्क होगा मुँह तक यानी जितने बुरे आमाल होंगे उतना ही गोया वो सख्ती उसको महसूस होगी तो वो दिन के जो इतना सख्त दिन है इतना मुश्किल दिन है वहाँ पर अल्लाह ताला जिन खुशकिस्मत लोगों के बारे में ये फरमा रहे हैं कि मैं उन्हें अपने अर्श के साये में जगह दूँगा तो वाक़ता ये बड़े नसीब की बात है ये हज़ अज़ीम है ये बड़ा मरतबा है जिसको मिले अब वो सात कैटेगरीज़ क्या हैं पहली कैटेगरी वो है जिसकी वजह से इमाम नबी रहम्ल ने इस रिवायत को इस बाब में नक़ल किया और वो क्या है अल इमाम आदिल एक ऐसा इमाम के जो आदिल हो अदिल करने वाला हो जैसे कि हमें मालूम है कि इमाम का लफ्ज़ आता है जिसको इंसान अपने सामने रखता है इंसान अपने आगे रखता है और जिसको अपना पेशवा और मुक्तदा बनाता है हमारे यहाँ इमाम का लफ्ज जो बोला जाता है एक तो नमाज की इमामत के लिए होता है और फिर इसी तरीके से कोई भी शख़्स जो दीनी एतबार से पेशवाइत के मनसब पर फाइज हो रहनुमाई के मनसब पर फाइज हो उसके लिए भी हम इमाम का लफ्ज़ बोलते हैं इमाम अबू हनीफा इमाम मालिक इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम इमाम शाहवली दहलवी वगैरह वग़ैरह लेकिन अरबी ज़बान में इमाम का लफ्ज़ उन ई मानों में इस्तेमाल होता है जिन मानों में अमीर का लफ् इस्तेमाल होता है जिन मानों में वाली का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिन मानों में खलीफा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इमामत गोया दो तरह की होती है एक इमामत श होती है जो नमाज की इमामत है जिसके हवाले से हम कहते हैं कि इमाम मस्जिद हैं और एक इमामत कुबरा है यानी पूरी कौम की इमामत पूरी कौम की जो है वो पेशवाइत इकबाल ने जो है तंज़ किया था ना कि कौम क्या है और कौमों की इमामत क्या है इसको क्या जाने है? ये बेचारे दो रकत के इमाम तो कौम की इमामत और चीज़ है और दो रकत नमाज की इमामत और चीज़ है लेकिन हमारे दीन में यही मतलूब है कि जो आदमी पूरी कौम की इमामत कर रहा हो वो नमाज भी वही पढ़ाए और ख़ास तौर तो पर वो नमाजें वो ख़ुद पढ़ाए कि जिसके साथ खुतबा होता है यानी जुमे की नमाज और ईदैन की नमाज़ हर जो है वो जुमे में जो है मस्जिद में आए मस्जिद में तो खैर वैसे भी पंजवक्ता नमाज़ में भी आए लेकिन वो आए और ख़ुतबा दे और अपने आप को लोगों के सामने पेश करे तो ये इमामत कुबरा है और आपको मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लिसिटली अपना कोई जानशीन मुकर नहीं किया लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सै नाबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अनहु को अपनी जो अलालत थी और मौजूल वफ़ात थी उसमें मुसलमानों की नमाज की इमामत उनके सुपुर्द की जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखत हुए तो फिर सहाबा ने यह बात कही कि रजीना ली दुनियाना माँ रजिया रसूल सल्ह सीन कि जिस रात के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन के हवाले से राजी हुए थे यानी जिसको उन्होंने हमारी नमाज का इमाम बनाया था हम उन पर दुनिया के लिए भी राजी हो गए यानी उन्होंने हमें हमारी दीन का इमाम बनाया था हमने उनको अपनी दुनिया का भी पेशवा बना लिया दुनिया का इमाम बना लिया तो बहरहाल वो इमाम जो अदल करता है गोया उसका बड़ा मरतबा है जो हाकिम होता है वो बहुत इन्फ़्लुशल होता है अगर वो खैर पर हो उसका खैर भी मुत्दी होता है उसके उसके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं एक रिवायत है जिसमें फ़रमाया गया कि इन अल्लाह अल्लाज़ाउ बिलसुल्तान माला यज़ाउ बिलकुरआन कि अल्लाह ताला कितने ही काम ऐसे हैं कि जो सुल्तान के ज़रिए कर लेते हैं जो कुरान के जरिए भी नहीं होते तो जाहरी बात है कुरान मजीद तो अल्लाह का कलाम है ना लेकिन इस कुरान मजीद को नाफि करने के लिए जो कुत नाफिजा चाहिए जो सुल्तान और इख्तियार चाहिए वो तो सुल्तान के पास है ना वो तो हाकिम के पास है तो अगर कोई हाकिम है और फिर वो अदल करता है किस्त के मुताबिक मामला करता है ये फरमाया कि वो उन खुश नसीबों में होगा जिसको अल्लाह ताला अपने अर्श के साय में जगह देंगे वो दिन के जिस दिन अल्लाह के अर्श के सए के सिवा कोई साया नहीं होगा दूसरा वो शख्स है व नशा नशाफी इबादतल्ला और ऐसा नौजवान जिसकी उठान ही गोया अल्लाह की बंदगी में हुई हो अल्लाह ताली का अपने बंदे से जो मकसूद है वो क्या है मुतालबा है वो इबादत है और ये इबादत पूरी ज़िंदगी में उसको करनी है और वो इबादत पूरी ज़िंदगी की गुलामी है इनफरादी ज़िंदगी में भी इज्तमाही ज़िंदगी में भी लेकिन उस इबादत का इजहार सबसे बढ़ कर किस चीज़ में होता है मरासम अबूदीत में परस्तिश के मामलों में नमाज है रोज़ा है ज़िक्र है तब्तुल है ठीक है और अल्लाह के लिए कुर्बानी देना है तो कहा कि हर उम्र में अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि उसके बंदे उसकी इबादत में मेहनत करें कोशिश करें इश्तहाद करें लेकिन जवानी का जो फेज़ होता है ये बड़ा कीमती होता है और प्राइम टाइम होता है तो कहा कि एक ऐसा शख्स कि जो जवानी ही से अल्लाह ताला की बंदगी का आदि हो और आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया ना कि पांच सवाल जब तक उसके जवाब बनी आदम नहीं देगा उस वक्त तक उसके कदम हिल नहीं सकेंगे अल्लाह के सामने से उनमें से पहली चीज क्या है अन उम्र ही फीमा अफनाहू उम्र के बारे में सवाल होगा कि कहाँ फना की और फिर अगला सवाल क्या होगा वान शबा ही फीमा हो जवानी के बारे में सवाल होगा उसको कहाँ गलाया अब देखिए उम्र में तो पूरी जिंदगी आ जाती है ना उसमें बचपन भी है लड़कपन भी है जवानी भी है अधेड़ उमरी भी है बुढ़ापा भी है लेकिन आप देखिए कि जो जवानी का फेज है इतना अहम है कि उसको अलग से निकाल कर उसके बारे में एक अलग सवाल है कि उम्र कहाँ लगाई और जवानी कहाँ खपाई और गलाई तो यहाँ फरमाया कि वो नौजवान कि जो जवानी ही से अल्लाह ताला की बंदगी में लगा हो वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और अल्लाह उसको अपने अर्श तले शाये में जगा देंगे तीसरा शख़्स है व रजुन मुअल्लकुन फिल मसाजिद एक ऐसा शख़्स कि जिसका दिल जो है वो मस्जिदों ही में अटका रहता है जैसे अल्लाह के नबी ने फ़रमाया ना कि इंसान रू करे या वू करके नमाज़ पढ़ने के लिए आए और फिर फ़रमाया कि इंसान जब तक वहाँ मस्जिद में बैठा रहेगा और नमाज के इंतज़ार में रहेगा तो फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआएं करते रहेंगे अल्लाह तो उस पर रहम कर ए तो उसकी मगफ़रत कर और जैसे अरबी का एक मुहावरा भी है ना कि जैसे एक बंद मोमिन जो है वो मस्जिद से बाहर ऐसे ही है कि जैसे मछली जो है वो पानी से बाहर तो गोया बंद मोमिन के लिए जो असल में कंड्यूसव माहौल है जो उसके मिजाज और शख्सियत से मुताबकत रखता है वो इबादत का माहौल है और वो मस्जिद में होता है इसीलिए अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि अहब्बल बल्ला तमसाजिद ज़मीन के सबसे ज़्यादा ज़मीन का वो टुकड़ा जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब है वो क्या है वो मस्जिदें व बिका और सबसे बुरा टुकड़ा ज़मीन का कौन सा है वो असवाक है वो बाजार है तो यहाँ फरमाया कि वो शख्स के जिसका दिल मस्जिद ही में अटका रहे ये मुझे मैंने एक नमाज़ पढ़ी है और मैं पढ़ के निकला हूँ अपने काम के लिए अपने घर दर्द की जिम्मेदारी के लिए और फिर मुझे पुकार आई है हया अलसलाया आलफ़ला तो कब पुकार आए और कब मैं मस्जिद में जाऊँ तो कहा कि एक ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिदों ही में अटका रहता है अल्लाह ताला को वो इतना पसंद है कि अल्लाह ताला उसको अपने अर्श के साय में जगह देंगे जिस दिन अल्लाह के अर्श के सए के सिवा कोई साया नहीं होगा और चौथा चौथी कैटेगरी क्या है वरजुलान तहा फिल्ला ही इजतमा आलै ही व तफर रका दो ऐसे अफराद जो अल्लाह वास्ते अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं की मोहब्बत ही में जुड़ते हैं अल्लाह की मोहब्बत ही में जुदा होते हैं तो ये सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में अल्लाह को हमसे क्या मतलूब है अपने से ताल्लुक, ताल्लुक माल्ला यानी इस दुनिया में दो तरह के ताल्लुकात हैं एक हमारा ताल्लुक जो है वो आप समझ लें कि वर्टिकल है और वो ताल्लुक माल हक है ताल्लुक माल खालिक है तल्लुक माल्ला है और एक बहुत वेब है रिलेशंस का जो हॉरिजॉन्टल होता है जो ताल्लुक माल खल्क है ताल्लुक माल इबाद है तो एक तो अल्लाह से ताल्लुक़ रखना है और फिर अल्लाह के सिवा जिससे ताल्लुक़ रखना है वो अल्लाह की मोहब्बत में रखना है अल्लाह वास्ते का ताल्लुक रखना है तो बस कुल दीन इसका नाम है तल्लुक माल्ला या हब्बुल्ल व खूब ला या खूब फिला अल्लाह से मुहब्बत और अल्लाह के लिए मोहब्बत तो ये लोग गोया उस आइडियल पर ये दो लोग ऐसे हैं जो इस आइडियल पर फाइज हैं कि वो मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से उसमें उनका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है कोई दुनियावी मनफात नहीं है बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इनका बड़ा दर्जा है इनका बड़ा मरतबा है तो कहा कि अल्लाह ताला इनको अपने अर्श के साय में जगह देंगे और फरमाया कि के वजुलन दातु इमरातन ज़ातु मन सबन व जमाल पाँचवीं कैटेगरी क्या है कि एक ऐसा शख़्स के जिसको एक औरत के जो बहुत जाह वाली है बड़ी मोजिज़ है और बहुत खूबसूरत है वो उसको दावत दे यानी दावत का मतलब क्या है दावत गुनाह दे फ़क़ल इन्नी अखाफुल्ल् तो वो ये कहे कि भाई मैं तो अल्लाह से डरता हूँ अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जिन्स का जज्बा बहुत पोटेंट रखा है बहुत मज़बूत रखा है बहुत ताकतवर रखा है तो कोई औरत जो है वो खुद से दावत दे खुद से ऑफ़र करे से करे और वो औरत कोई जने बाज़ार ना हो यानी कोई ऐसी औरत ना हो कि जो बिल्कुल बाजारी औरत है और कोई फ्वाहिशा औरत है बल्कि एक ऐसी औरत के जो बड़ी मनसब वाली है बड़ी मरतबे वाली है बड़े मकाम वाली है और बहुत खूबसूरत है और वो दावत गुनाह दे और गोया इसमें भी ये बात भी इम्प्लाइड है कि कोई रुकावट ना हो तो वो क्या कहे कि इन्नी अखाफुल्ला मैं तो भाई अल्लाह से डरता हूँ और कुरान मजीद में इसकी जो मिसाल है वो सैद नूसुफ़ की है जो अजीज़ मिस्र की बीवी थी वो या उस पर ये दोनों चीज़ें पूरी पड़ती हैं वो अजीज़ की बीवी थी और वो गया इलीट क्लास से उसका ताल्लुक था और ख़ूबसूरत भी थी और उसने सैदना यूसुफ़ल को दावत गुनाह दी लेकिन वो अल्लाह ताली की बुरहान उन्होंने देख ली और वो उससे बच गए तो फरमाया कि पाँचवीं कैटेगरी उस शख़्स की है जिसको कोई औरत जो बहुत खूबसूरत हो और बहुत मोजिज़ हो वो दावत गुनाह दे और वह कहे कि भाई मैं तो अल्लाह से डरता हूँ वरजुल तसद बदकतिनफ अफाह हत ला ताल मातुन फिकु यमीनों और छठी कैटेगरी क्या है एक ऐसा शख्स कि जो सदका दे तो उसको छुपाए यहाँ तक कि उसके बाएँ हाथ को मालूम न हो कि उसके दाएँ हाथ ने क्या खर्च किया है करमीद कहता है कि सदका दोनों तरह से दिया जा सकता है इन तुम्दु फन माहिया अगर तुम सदक़ात को ज़ाहिर करके दो तो बड़ी अच्छी बात है खूब है ये बात लेकिन व इन तुखूहा व तो हल्फुकर फ़ैरलकुम लेकिन अगर तुम उनको छुपाओ और छुपा कर फ़करा तक पहुँचाओ तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है तो जो सदकत सिर है यानी छुपा कर लोगों की मदद करना लोगों तक जो है वो माल पहुँचाना ये अल्लाह को बहुत महबूब है और ये अल्लाह के गज़ब को जो है वो जो है आप कहें कि महफ करने वाली चीज़ है मिटाने वाली चीज़ है और अल्लाह के गज़ब को जो है उसकी आग को गोया बुझाने वाली चीज़ क्या है वो सदाकत सिर है छुप कर लोगों की मदद करना तो कहा कि एक ऐसा शख्स जो छुप कर लोगों की मदद करता है सदका देता है इतना अकफ़ा रखता है कि दाया हाथ देता है बाएँ को मालूम नहीं होता ये जाहरी बातें मुमकिन नहीं है हाथों के अंदर कोई कागनीशन नहीं होती कागनीशन तो जहन में होती कहने का मतलब ये है कि इंतहाई अखफ़ा का अहतमाम करता है कि भाई दाएँ ने दिया है तो बाएँ को मालूम नहीं हुआ और आखिरी कैटेगरी क्या है वरजुल ज़क्र अल्लाह खालीन फ़फाजत आई एक ऐसा शख्स जो अल्लाह का जिक्र करे ख़लवत में निज में तो क्या हो उसकी आंखों से आंसू बह पड़े तो अल्लाह तला का जिक्र मजलिस में भी किया जा सकता है और अल्लाह का जिक्र ख़लत में भी किया जा सकता है लेकिन मजलिस में अगर अल्लाह का जिक्र किया जाए तो हमारे अकाबरीन की आदत यह है कि कोई दुआ हो रही हो कोई जिक्र हो रहा हो मीर पढ़ा जा रहा हो तो अगर कोई ख़ास कैफियत उन पर तारी हो तो उसको छुपाने की कोशिश करते थे ताकि कहीं रियाकारी ना हो कहीं इजहार ना हो नीनी अपने आंसुओं को भी रोकते थे और एक एक इमाम थे ना उनको इस तरह की जब कैफियत तारी हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो ज़ुकाम है यानी कोई ये ना समझे कि भाई ये बड़े अल्लाह वाले हैं बड़े रकीकुल रक़ीकलब हैं इनको दिक्कत तारी हो गई तो आज कल के जो हमारे यहाँ एक जैसे रस्म होती है ना और जो है लंबी लंबी आधे आधे घंटे की घंटे घंटे की दुआएं और उसमें रो रो कर अजीब तरीके से शक्लें बना बना कर दुआ करना इसका कोई रवाज नहीं था ना अल्लाह के नबी के ज़माने में ना सहाबा में ना कुरू ने उला के अंदर तो ये एक नई रस्में हैं हमारे यहाँ तो अगर रोना धोना है तो वो लोगों के सामने ना हो ये कोई परफॉर्मेंस थोड़ी है ये कोई अदाकारी थोड़ी है अल्लाह के सामने करना है तो कहा कि वो शख्स के जो जिक्र करता है अल्लाह का खलवत में तन्हाई में और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं तो ये सात किस्म के लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उनको कयामत के दिन अपने अर्श के सए में जगह देंगे जिस दिन अल्लाह के अर्श के सए के सिवा कोई साया नहीं होगा एक वो शख्स के जो इमाम हो वकमरान हो और आदिल हो एक वो शख्स के जो अल्लाह की बंदगी ही में परवान चढ़ा एक वो शख्स जिसका दिल मस्जिदों ही में अटका रहता है दो ऐसे अफराद जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं उसी मोहब्बत में मिलते हैं उसी मोहब्बत में जुदा होते हैं एक ऐसा शख़्स के जिसको कोई खूबसूरत और मनसब वाली औरत दावत गुनाह दे और वो ये कहे कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ और एक ऐसा शख़्स कि जो सदका देता है तो उसको छुपाता है यहाँ तक कि उसका बायां हाथ ये नहीं जानता कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया और फिर एक ऐसा शख्स कि जो खलवत में अल्लाह को याद करता है तो उसकी आँखें बह पड़ती हैं अल्लाह तला हमें अमल की तोफ़ी क़ा फरमाए